मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रोहतक हरियाणा से बड़ी दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। देखिए, 12 साल की किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों ने जो है विरोध करने वाले कामेश वाल्मीकि का कत्ल कर दिया। जी, पूरी वारदात यह है कि 12 साल की किशोरी के साथ जो है कुछ लड़के गुंडे टाइप के जो है जो नशे में थे, उन्होंने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का विरोध जो है कॉलोनी निवासी करने लगे तो उनके साथ उनकी झड़प हो गई। वहीं कामेश वाल्मीकि पहुंच गए और उन्होंने देखा कि दो गुटों में झड़प हो रही है, तो उन्होंने छूट छुटाव किया, तो उनको समझाया बुझाया, लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि आपस में मारपीट होने लगी। जब कामेश लोहट वाल्मीकि को पता लगा कि इन्होंने छेड़छाड़ की है 12 साल की बच्ची के साथ, तो कामेश वाल्मीकि ने उनके साथ भिड़ गए, मुक्कों से जो है वो मारा। क्योंकि कामेश वाल्मीकि जो है वो बॉक्सर रहे हैं, स्टेट लेवल पर चैंपियन रहे हैं, और उन्होंने भी उनका सामना किया और गुंडों को खूब मारा। लेकिन एक गुंडे ने जो है वो चाकू निकाला और कामेश वाल्मीकि पर वार कर दिए। जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, मैं बताऊंगा सारी। घायल कामेश वाल्मीकि को सरकारी अस्पताल पीजीआई में ले जाया गया, तो वहां इलाज के दौरान जो है खून बहने के कारण और चाकू गहराई से लगने के कारण जो है कामेश वाल्मीकि की मौत हो गई। इससे वाल्मीकि समाज में काफी आहत है और आरोपी जो दलित समाज के ही हैं, धानुक जाति से बताए जा रहे हैं। तो जो आरोपी हैं, आरोपी वो ना तो किसी जाति के हैं ना किसी धर्म के हैं। तो कामेश वाल्मीकि जो है वो स्टेट लेवल पर बॉक्सर रहे हैं, चैंपियन रहे हैं, और मॉडलिंग का उन्हें काफी शौक था, और मॉडलिंग के जरिए वो गानों में भी जो है वो रोल अदा कर चुके हैं, और धार्मिक कामों में भी यानी सामाजिक कार्यों में भी जो है आगे रहते थे, इंसानियत के लिए जान भी दे सकते थे। जैसे आपने देखा कि एक 12 साल की बच्ची के लिए उन्होंने अपनी जान तक भी दे दी। तो ये वाल्मीकि समाज की इतिहास रहा है कि देश के ऊपर जब भी आ चाहिए, जब भी बहन बेटियों पर आ चाहिए, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो ये इंसानियत के लिए काम करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, इसलिए वाल्मीकि जाति का इतिहास जो है सबसे अलग है। तो ये कामेश वाल्मीकि ने साबित करके दिखाया। हालांकि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इसका हमें बड़ा दुख है और उनको श्रद्धांजलि जो है हम अर्पित करते हैं। कामेश वाल्मीकि ने इंसानियत के लिए, बच्चों के लिए जो है वो एक लाइब्रेरी का निर्माण भी किया था, जिसमें बच्चे जो है अच्छे से शिक्षा ले सके, अपने इतिहास को जाने और आगे संघर्ष करके अपने अधिकार को ले और आगे बढ़ चढ़कर समाज को भी आगे बढ़ाए। ये सोच जो है कामेश वाल्मीकि रखते थे। पहाड़ा मोहल्ला के रहने वाले कामेश वाल्मीकि जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसे पूरे वाल्मीकि समाज में जो है वो काफी आहत है और पूरा वाल्मीकि समाज और परिजन जो है यही मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले
हालांकि पुलिस ने जो है दूसरे दिन ही जो है वो गिरफ्तारी कर ली है, सभी आरोपी जो है वो गिरफ्त में हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।